केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस वर्ष 2022 के एजेंडे को लेकर किसान विधेयक पर भ्रम फैला रही है। ट्रैक्टर पर सोफे की सीट लगाकर कांग्रेसी नेता विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। भाजपा जो कर देती है उसका बाद में कांग्रेस विरोध करना शुरू कर देती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसान विधेयक को लेकर कांग्रेस का दोहरा चेहरा जनता के सामने आ चुका है। धर्मशाला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि 72 वर्षों में जो नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने 6 साल में कर दिखाया है। अनुराग ने आरोप लगाया कि जब कोविड के समय भाजपा की सरकारें आम जनता की मदद में जुटी थी उस समय भी कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति करती रही। उन्होंने कहा कि MSP पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, जबकि कांग्रेस इसको लेकर भी किसानों को गुमराह कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को कांग्रेस सरकार लागू नहीं कर पाई, मोदी सरकार इसे लागू कर रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर अनुराग ने कहा कि कांग्रेस की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक इसके कार्य को लटकाए रखा, कांग्रेस की राजनीति का शिकार हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। नेशनल हाईवे पर अनुराग ने कहा कि पूर्व में प्रदेश में कांग्रेस सरकार NH की DPR नहीं बना पाई, हालांकि DPR के लिए भी केंद्र की ओर से पैसा दिया गया था। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए हिमाचल में 3 बड़े एयरपोर्ट की जरूरत है, कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार की संभावनाएं हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर एयरपोर्ट विस्तार को लेकर आगे आना चाहिए। कांग्रेस पंजाब हरियाणा में और विशेष तौर पर पंजाब में 2022 के चुनाव को देखकर किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का काम मोदी सरकार करने का प्रयास कर रही है। कुछ लोग ट्रैक्टर पर सोफे की सीट लगाकर आंदोलन करने जाते हैं किसानों के लिए, इससे उनका असली चेहरा देखने को नजर आता है। एक और मैं कहना चाहूंगा, यही कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव से पहले कहती है कि मंडी एक्ट में बदलाव लाएंगे, किसानों को और स्वतंत्रता और आजादी देंगे, नए अवसर देंगे और तरह तरह के प्रावधान किसानों को लाने के लिए बात करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद कुछ नहीं करती। 2013 में भी राहुल गांधी जी और एक केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उन्होंने 11 राज्यों के UPA के मुख्यमंत्रियों से बात की और वो सब लोग APMC एक्ट में बदलाव करने के लिए तैयार हैं। अगर वो उस समय तैयार थे तो किया क्यों नहीं? क्योंकि उनके लिए केवल ये राजनीतिक मुद्दा था, 2014 में केवल एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में लेके जा रहे थे, लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस को उस समय भी नकारा। 2017 में पंजाब के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाकर लेकर गए, 2019 के चुनाव में उन्होंने अपने एजेंडा में इसको लिखा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जो इनका घोषणा पत्र था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार कर देती है तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। इनका दोहरा चेहरा साफ नजर आता है, ये कभी भी किसानों की भलाई होते नहीं देख सकते थे। पहले मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर कह दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अगर खामियाजा भुगतना पड़ा तो वापस कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति का। जिला कांगड़ा के ही दोनों हिस्से हैं, देरा भी धर्मशाला भी। पहले दिन से ये तय था जब प्रदेश में धूमल जी की सरकार थी और केंद्र में UPA सरकार थी, किसका कैंपस एक देरा में बनेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव कैंपस धर्मशाला में बनेगा, इसमें बड़ी क्लैरिटी थी। लेकिन जमीन उपलब्ध ना होने के कारण 5 साल तक कांग्रेस ने पहले इसको लटकाए रखा और फिर जहां पर फॉरेस्ट क्लियरेंस होनी थी देरा में हो गए तो उसके पैसे जमा नहीं कराते थे। हमने आते ही 1 साल के अंदर पैसे जमा कराए, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी कराए, सब कर दिया। अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम था कि इसकी एक DPR बनती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो तैयार करके देनी थी। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसकी बड़ी बना दी, बजट से ज्यादा की बनाई और उसमें जब मीटिंग हुई इनको वापस निर्देश दिए गए
कि अगर देश भर में 280-300 करोड़ रुपए तक देते हैं तो आप उतने तक की बनाइए। मैंने हस्तक्षेप करके कहा कि इसको 500 करोड़ तक कम से कम करिए। मेरे अनुरोध पर पिछली जब मीटिंग हुई तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने वहां पर गुजरात और इसके लिए कहा कि अपनी DPR में अमेंडमेंट करके वापस लाइए, और अब इन्होंने शायद वापस अपनी DPR सबमिट की है। तो ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लेवल पर जो डिले हुआ है और उसके पहले जो कांग्रेस की सरकार के कारण डिले हुआ उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ये दोनों सेंटर्स बनेंगे, देहरा और धर्मशाला, और हिमाचल प्रदेश को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी। लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस की राजनीति का शिकार ये हुई। नेशनल हाईवे हमारी सरकार ने दिए, लेकिन आपको एक देखना होगा, देश भर में जहाँ पर भी नेशनल हाईवे बनते हैं उसमें टोल लगता है, ट्रैफिक पर निर्भरता बहुत रहती है, कितना ट्रैफिक आता है। ये ना आपसे छिपा है ना मुझसे छिपा है कि शायद जितना दिल्ली हरियाणा के रूट पर ट्रैफिक होगा उतना हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। जमीन की लागत शायद जितनी वहाँ पर होगी उससे ज़्यादा यहाँ पर होगी कीमत जो है, उसके अलावा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो जो भी रिपोर्ट आती है उसको एक स्टडी करने के बाद एक बनती है कि कितना ट्रैफिक होगा, कितना खर्चा आएगा, कितना जमीन अधिग्रहण की कीमत आएगी, और उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी प्रायोरिटी पर अलग अलग आपके प्रोजेक्ट्स को ले रही है और राज्य सरकार के साथ बातचीत करके ही उनको फाइनल किया जाएगा। पहले चरण में कौन आएंगे, उससे अगले में कौन आएंगे, ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। तो हिमाचल को कम से कम 3 बड़े एयरपोर्ट चाहिए। हिमाचल में जो टूरिज्म की संभावनाएं हैं वो कम से कम 2 या 3 बड़े एयरपोर्ट होंगे तो उससे उसका लाभ मिलेगा, और उनमें से सबसे ज्यादा पहले किसी के विस्तारीकरण की पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं, तो धर्मशाला की है, क्योंकि हमने प्रयास करके यहां पर एक नहीं 4-4 फ्लाइट तक इसको पहुंचाया, और मुझे लगता है इसमें क्षेत्र के लोगों का भी लाभ होगा। जब एयर स्ट्रिप बड़ी होगी, टिकट कॉस्ट सस्ती होगी, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर इस पर आना चाहिए। ना केवल जिला कांगड़ा का विकास, पूरे हिमाचल प्रदेश का विकास इस पर निर्भर करता है।